नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। जल ही जीवन है ये कहावत पुरानी हो चुकी है, जल ही कमाई है ये बात जलदाय विभाग पर आजकल फिट बैठती है। लोगों को जलापूर्ति की जिम्मेदारी संभालने वाले इस विभाग की हकीकत बिल्कुल ऐसी ही है। यहाँ टैंकर ड्राइवर से लेकर कई जिम्मेदारों तक की भूमिका सवालों के घेरे में है। दरअसल ये हकीकत सामने आई है फर्स्ट इंडिया के एक स्टिंग ऑपरेशन में। इस खास कार्यक्रम को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, बीसलपुर के सौदागर कौन है। ये स्टिंग ऑपरेशन हकीकत खोलता है सिस्टम की, नीचे से ऊपर तक हो रहे भ्रष्टाचार की और पानी के नाम पर काली कमाई कर रहे लालचियों की। जो पानी आम आदमी के हक का है उसके एवज में चंद पैसे लेकर किसी और को दे दिया जाता है। जयपुर में सैकड़ों टैंकर पानी इसी तरह बेचा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। जिस पानी पर है आपका हक, जिसे आपके घर तक समय से पहुंचना चाहिए, उस पानी को कोई और लूट रहा है। चंद पैसे लेकर हो रही पानी की बंदरबांट, जहां दिखा पैसा वहां टैंकर खाली। फर्स्ट इंडिया ने किए बेनकाब बीसलपुर के सौदागर। बरसात के मौसम में बीसलपुर बांध जब पानी से लबालब हुआ तो सभी ने सोचा कि अब साल भर पानी की कमी नहीं होगी, जरूरत का पानी समय से मिलेगा, न नहाने की समस्या होगी न पीने के पानी की। लेकिन हर उम्मीद पर लालच पानी फेर रहा है। जल विभाग के फर्राटा भरते इन टैंकरों की हकीकत चौंकाने वाली है। शहर में निःशुल्क पानी की सप्लाई करने के लिए जिन लोगों पर जिम्मेदारी है, वे अपनी जेबें भरने के लिए आपके हक पर डाका डाल रही है। ये पूरा खेल बड़े प्लान्ड तरीके से खेला जा रहा है। ठेकेदारों की मिली भगत से ड्राइवरों को मोहरा बनाकर इस कारनामे को अंजाम दिया जा रहा है। बीसलपुर से पानी लेकर शहर में सप्लाई के बहाने दिन भर ये पानी बेचा जाता है। रेट भी खुलेआम लगाए जाते हैं और बाकायदा बारगेनिंग होती है। डीजल से लेकर पानी तक का हिसाब लगाकर रेट बताया जाता है और सौदा तय होने पर डिलीवरी की जाती है। निशुल्क जल योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद इलाकों में पानी की आपूर्ति का है, ताकि पानी जैसी बुनियादी जरूरत से कोई महरूम ना रहे। जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं है या पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है या पानी का दबाव कम है या किसी अन्य वजह से आपूर्ति बाधित है, तो वहां पर यह पानी सप्लाई किया जाता है सरकार की ओर से बिल्कुल फ्री। इसकी जिम्मेदारी जलदाय विभाग के ऊपर है। विभाग ठेकेदारों के द्वारा जलापूर्ति करता है, ठेकेदार टैंकर ड्राइवरों को डील करते हैं, लेकिन जो पानी आपके हक का है, आपको निशुल्क मिलना चाहिए, वो पानी वहाँ सप्लाई होता है जो इसके पात्र नहीं है। जिनके यहाँ पानी पर्याप्त है लेकिन वे इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं या फिर किसी व्यावसायिक गतिविधि में इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार आम आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए 100 किलोमीटर दूर से पानी मंगवाकर राजधानी के जरूरतमंद इलाकों में आपूर्ति करवाती है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है जो दिखाई दे रही है। पानी के टैंकरों का बाकायदा सौदा किया जा रहा है, 300 से 400 रुपए लेकर वहां पहुंचाया जा रहा है जो इसके हकदार नहीं है। लेकिन जयपुर के पानी माफिया की इस हरकत को बेनकाब करने के लिए फर्स्ट इंडिया के 3 संवाददाताओं ने कमर कसी और अलग अलग माफिया से बात कर इस हकीकत को उजागर कर दिया। आपको ये पूरा खुलासा सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे टैंकर ड्राइवर सौदेबाजी करते हैं और फिर आपके बताए ठिकाने पर पानी पहुंचा देते हैं। इस खेल को ठेकेदार कैसे अंजाम देते हैं ये भी दिखाएंगे। आप देखते रहिए बीसलपुर के सौदागर। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए विकास शर्मा, नरेश शर्मा और ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट।
जयपुर की प्यास बुझाने के लिए 100 किलोमीटर दूर बीसलपुर से पानी लाया जाता है और इसके लिए बाकायदा सिस्टम बना हुआ है और जिम्मेदारी है जलदाय विभाग के कंधों पर। लेकिन इसी 100 किलोमीटर के रास्ते में पानी लाने वालों का ईमान डोल जाता है और वो पैसे लेकर इस पानी को ऐसे लोगों को दे देते हैं जो इसका व्यवसायिक उपयोग करते हैं और जिन्हें पानी मिलना चाहिए वो बेचारे रास्ता ताकते रह जाते हैं। जयपुर की जनता की प्यास बुझाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके 100 किलोमीटर दूर से लाए गए सरकारी पानी को जयपुर में खुलेआम बेचा जा रहा है। कहने को तो सरकारी टैंकर जनता को निःशुल्क पानी देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कर्मचारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से मनमानी कीमत पर पानी बेचा जा रहा है। फर्स्ट इंडिया की टीम ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। जयपुर की जनता की प्यास बुझाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजना बनाकर करीब 100 किलोमीटर दूर से बिसलपुर से राजधानी में पानी लाया गया है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों का गठजोड़ कुछ ऐसा है कि सरकारी पानी को जो जनता के लिए फ्री में आना चाहिए था उसे बेचा जा रहा है। बस बोली लगाने की दरकार है, जितना चाहिए उतना पानी मिलेगा, पैसे दीजिए। जलदाय विभाग की इसी गठजोड़ की पोल खोलने के लिए निकल पड़ी है फर्स्ट इंडिया की टीम। जयपुर की सड़कों पर दौड़ते ये टैंकर सरकारी पानी की सप्लाई करते हैं। सरकार हर साल करोड़ों रुपए इस काम के लिए खर्च करती है। इन टैंकर से प्यासी जनता को फ्री में पानी दिया जाता है, लेकिन दावे से विपरीत सच्चाई ये है कि बीच रास्ते में ही इस पानी का सौदा हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल खुलेआम बिक रहा है जयपुर में सरकारी पानी। बीसलपुर का वो पानी जो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके 100 किलोमीटर दूर से जयपुर लाया गया, उस पानी की कीमत लगाओ, जहां चाहते हैं वहां पानी पहुंच जाएगा। जल ही जीवन है, हम यह कहते सुनते नजर आते हैं, लेकिन इस जीवन रूपी जल के शहर में कई ठेकेदार और कई सौदागर नजर आते हैं। कुछ सौदागर तो प्रत्यक्ष रूप से इस धंधे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ अप्रत्यक्ष तरीके से अपना व्यापार सुबह से ही शुरू कर देते हैं। हमने जब कहानी की पड़ताल की तो कई ऐसे चरित्र सामने आए जो गुमनाम थे, अंधेरे थे, लेकिन हमारी पड़ताल में वे साफ नजर आए। हालांकि जलदाय विभाग का ये कारनामा नया नहीं है। इंजीनियरों से लेकर ठेकेदारों तक मिलीभगत से इस कारनामे को अंजाम दिया जाता है। जलदाय विभाग के इंजीनियर्स और ठेकेदारों की मिलीभगत से ये पूरा खेल खेला जाता है। पहले भी पानी के फर्जी टैंकरों का पेमेंट किया गया था। जिन टैंकरों के नाम पर पेमेंट हुआ उनके नंबर दूसरी गाड़ियों के निकले। कार, स्कूटर और बाइक के नंबरों पर पेमेंट कर दिया गया। विभाग की इंटरनल ऑडिट में यह मामला पकड़ा गया था। महालेखाकार ऑडिट टीम ने यह मामला पकड़ा था। विभाग के फर्जीवाड़ा रोकने के दावे फिर फेल हुए हैं। फर्स्ट इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है। जलदाय विभाग ने सरकारी टैंकरों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को 125 करोड़ में काम दिया, लेकिन नतीजा फिर भी नहीं बदला। शहर में टैंकरों से सरकारी पानी की जमकर कालाबाजारी हो रही है। तो ये पानी कहां कहां बेचा जा रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। होटल और ढाबों पर बेचा जा रहा है, मकान निर्माण के लिए सप्लाई किया जा रहा है, प्राइवेट आरओ प्लांट में भी बिक्री की जा रही है। जलदाय विभाग के ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत की पोल खोलने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। कई दिनों तक राजधानी के उन सेंटर पर स्टिंग किया जहां से पानी की सप्लाई की जाती है। हकीकत देखकर आपकी आंखें भी खुली रह जाएंगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा, नरेश शर्मा और ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। ये कहानी एक, दो या चार, छह टैंकरों की नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में टैंकर्स को बेचा जाता है। भले ही इस काले धंधे को रोकने के लिए विभाग को हाईटेक किया गया है, लेकिन हकीकत नहीं बदली। तकनीक का तोड़ भी निकाला गया और उधर लालच का जुगाड़ किया गया। देखिए कैसे संचालित होता है ये पूरा धंधा।
पानी तो सरकारी है, लेकिन आप कीमत लगाओ, जहां चाहेंगे पहुंच जाएगा। सबसे पहले हाल देखिए ट्रांसपोर्ट नगर स्थित दफ्तर का। यहां दिन भर में दर्जनों टैंकर से पानी सप्लाई की जाती है। टैंकर में पानी तो सरकारी भरा जाता है, लेकिन भरने के साथ ही टैंकर का सौदा हो जाता है। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, और अगर ये पानी सरकारी हो तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, राजधानी जयपुर में सरकारी पानी के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहाँ सरकार हर घर में पानी पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर इसी पानी का गोरख धंधा जयपुर में चल रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट एडर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि किस तरह से राजधानी जयपुर में सरकारी पानी का गोरख धंधा फल फूल रहा है और कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं। कीमत लगाओ तो पानी बेच दिया जाएगा। ठेकेदार का आदमी अगर खुद नहीं जाएगा तो दूसरे का नाम बता देगा। फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर नरेश शर्मा, विकास शर्मा और डॉक्टर ऋतुराज ने ग्राहक बनकर पानी का सौदा किया। देखिए क्या सच्चाई सामने आई। पानी का सौदा सिर्फ ड्राइवर ही नहीं करता, बल्कि एक पूरा माफिया इसमें सक्रिय है। जैसे जैसे हमारी टीम ने तथ्यों को जांचा, वैसे वैसे सच सामने आता गया। आगे आगे आप भी देखिए। पीएचईडी विभाग के कर्मचारियों का दायित्व है कि शहर के हर इलाके में निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, लेकिन पानी की आपूर्ति की कमी की वजह से जल के ये ठेकेदार और सौदागर स्वच्छंदता से शहर के हर इलाके में घूम रहे हैं। हमने खो नागोरियान से लेकर गांधीनगर और शहर के कई पोश इलाकों में इसकी पड़ताल की तो एक एक चरित्र खुलते चले गए। अब आपको लेकर चलते हैं पानी की टंकी के पास बने दफ्तर के अंदर, जहां ठेकेदार और उसके आदमी बैठे। न कोई डर न कोई भय, खुले आम पानी का सौदा होता है यहाँ पर। रेट भी तय होता है और टाइम भी। कहने को तो जलदाय विभाग ने सरकारी टैंकरों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की है, लेकिन इस माफिया ने सभी व्यवस्था के तोड़ निकाल लिए। आप तो बस कीमत चुकाइए, अपने आप जहां चाहेंगे वहां पानी पहुंचेगा। हमारे रिपोर्टर जब ठेकेदारों से बात करने पहुंचे तो आप खुद सुनिए कि उन्होंने कैसे खुलेआम पानी की कीमत लगाई, सौदा किया और आश्वासन दिया कि पानी मिल जाएगा। टैंकर मिल जाओगे? हैं?
इमरजेंसी से यार पाइप तो मतलब वैसे मेन रोड वाले से मकान तो अरे यार अभी यहाँ घोड़े कोई इमरजेंसी चीज मतलब थोड़ी यार 400 रुपये यार कुछ घर की रेट होता है यार वो जो हैं कहाँ गिरा जो अरे यार बाबा गया था भाई साहब खुद खेगा कि यार भाई साहब मैं तो बार जारी चूड़ सेट करनी मैं डाल देता हूँ 300 में आप तक ऑर्डर तो मार कैंसिल करता जाना 400 रुपये यार बहुत सुबह डला लीजिए सुबह कह लेता बताओ अरे यार 50 रुपये सुबह डलो अबार इमरजेंसी चाहिए एक तो बार डाल दो एक सुबह डाल दीजिए कर लो 250 रुपये ले लीजिए बार एंड टू एंड डालो चलो 250 रुपया हैं यार भाई साहब था किसी को पानी का पीसा ला रहे अंडे का यार भाई साहब अंडा से तू उठानो से अबार दे पब्लिक को भी डाल रहा हो तो फ्री में यार भाई साहब मजा मत लो भाई साहब डाल लो तो बात बात करो ना बात तो जल्दा ही भाग दे लो ना पीछे थान दो फिर में थोड़ा तो वहां कर ले रही भाई साहब सुबह कितने डाल दे यार भाई साहब 4-5 किलोमीटर सार होती यार भाई साहब 5 किलोमीटर मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम सुबह कहाँ ले लो बताओ घर का आदमी जा रहे मत करो भाई साहब यार हैं नंबर बताओ नंबर लिख लेगा फिर रमेश जी बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती सिर्फ बातचीत ही नहीं बल्कि सौदा पक्का होता है अब हम चलते हैं जगतपुरा इलाके में पहले तो एक टैंकर चालक ने पानी बेचने से मना कर दिया लेकिन साथ ही उसने दूसरे टैंकर चालक के बारे में भी बता दिया जो पानी पहुंचा देगा फर्स्ट इंडिया टीम दूसरे टैंकर चालक के पास पहुंची पहले तो टैंकर पर आनाकानी हुई लेकिन बाद में इधर उधर देखकर 400 रुपये में पानी के टैंकर का सौदा तय हो गया ये पूरा खेल बड़े तरीके से अंजाम दिया जाता है जैसे जैसे विभाग ने इस खेल को रोकने के लिए तकनीक ईजाद की है तो माफिया तकनीक पर भी भारी पड़ गई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन से मॉनिटरिंग होती है जलदाय विभाग ये मॉनिटरिंग करता है पानी के लेवल इंडिकेटर का फोटो अपलोड किया जाता है ये फोटो सॉफ्टवेयर में अपलोड होता है उपभोक्ता के मोबाइल पर गए ओटीपी से टैंकर वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट होता है टैंकर चालक से टीम ने पूछा कि क्या हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा तो उसने इशारों में ही मना किया और कहा कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा आप तो बस एड्रेस बताओ तय जगह में घर के बाहर कुछ देर में टैंकर पहुंच गया टैंकर से पानी खाली हुआ तो तुरंत पेमेंट भी हो गया न ओटीपी मांगी गई न कोई फोटो अपलोड हुई अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार ये टैंकर चालक किस तरह पानी बेचने का खेल करते हैं टैंकर चालक ओटीपी के लिए अपने साथी का मोबाइल नंबर देते हैं ताकि टैंकर ट्रिप वेरिफिकेशन हो जाए इस तरह JEN को रात 12 बजे तक ट्रिप वेरीफाई करना होता है लेकिन 2-3 दिन तक टैंकर से पानी डालना वेरीफाई नहीं होता इससे टैंकर ठेकेदार फायदा उठाते हैं टैंकर पर जलदाय विभाग की ओर से निशुल्क पानी की पट्टी नहीं लिखी हुई है ये खेल बहुत बड़ा है जयपुर में रोजाना 400 से 500 पेयजल टैंकरों की हेराफेरी होती है विभाग द्वारा एक टैंकर की सप्लाई पर 120 रुपये का भुगतान किया जाता है जबकि होटलों और दूसरी जगह 500 से 600 रुपये में बिक्री होती है अल सुबह और शाम को 7 बजे के बाद अवैध सप्लाई की जाती है न टैंकरों की पर्चियां न ही विभाग में इनका कोई रिकॉर्ड विभाग के पंप हाउस स्टाफ और इंजीनियरों की मिली भगत से यह खेल चलता है ये फर्जीवाड़ा पहले भी सामने आ चुका है GPS मॉनिटरिंग में ये खुलासा हुआ था हाइड्रेंट से रोजाना 1900 से 2000 टैंकर भरे गए जबकि विभाग में इन टैंकरों की करीब 1500 पर्चियां ही मिली जाहिर है कि खेल बड़ा है इसमें चंद ठेकेदार या कुछ ड्राइवर्स ही शामिल हों ऐसा नहीं इंजीनियर्स की भूमिका पहले ही सामने आ चुकी है ऐसे में बहुत मुमकिन है कि पानी के इस पूरे खेल के तार काफी ऊपर तक जुड़े हों लेकिन जनता के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी कहना मुश्किल है तो
देखा आपने अधिकारियों की नाक के नीचे किस तरह से सरकारी पानी को बेचा जा रहा है। ये खेल कई सालों से चल रहा है और अधिकारी है कि कार्रवाई करने का नाम नहीं लेते, क्योंकि जेबें उनकी भी गर्म होती है और ठेकेदार भी फल फूल रहे हैं। साथी विकास शर्मा, डॉक्टर ऋतुराज शर्मा और कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।